क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम इंटरेस्ट निकालेंगे या कैलकुलेशंस करेंगे तो हम कहेंगे कि बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट, इसी में लिख सकते हो बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट, मींस इशू वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू, इशू वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू, issue value of bond is less than its par value. जो bond की issue value है वो par value से कम है. Issue value of bond is less than its par value. Par value मतलब face value. ठीक है, ऐसा क्यों? हम कहते हैं indemnity. जी हाँ. नहीं, हाँ बेसिकली मैं कह रहा कि अगर सपोज जैसे कोई इन्वेस्टर है, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी इज गोइंग टू गिव 12% रिटर्न, कंपनी गिव दे ये 10%, विल कस्टमर बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट? क्या कस्टमर या इन्वेस्टर जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर करेगा भी तो क्या करेगा? इफ आई एम गेटिंग द बॉन्ड लेस देन द पार वैल्यू देन आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास है 10% का 8% बॉन्ड, फेस वैल्यू 100, रिडेम्पशन पीरियड 3 इयर्स, जब हमारे पास 3 इयर्स. ठीक है, क्लियर? अब हम अगर इसका निकालते हैं, हमने क्वेश्चन देख के हम बता देंगे कि इट इज बीइंग इश्यूड एट डिस्काउंट, इट इज बीइंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी लेस देन